हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू साइंस सब्जेक्ट है और नंबर चैप्टर का 6 है फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, यानी क्या है फिजिकल एंड भौतिक और जो रासायनिक जो परिवर्तन होते हैं उस पर डिपेंड है लेसन। मैंने आपको 3 वीडियो जो दी है, अब हम आगे आते हैं जो क्वेश्चन आंसर से मैंने जो लास्ट 3rd नंबर की वीडियो दी थी, अब मैं आपको देने जा रही हूँ 4th नंबर की जो पार्ट रहेगा, नंबर 4th है। यहाँ पर क्वेश्चन 8 होगा, मैंने 7 तक का क्वेश्चन दिया था, अब 8 क्वेश्चन पर आते हैं। स्टेट चेंज बताना है इन कलर व्हेन आयरन नेल्स, जो आयरन की जो कीली होती है, आर कैप्ट इन एसिडिफाइड, क्या है एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट सोल्यूशन फॉर अबाउट 1 आवर, 1 घंटे तक रखी जाए उसे, एसिडिक जो होती है एसिडिफाइड जो कॉपर होती है सल्फेट में रखा जाए तो क्या हो। स्टेट चेंज बताने हमें इन कलर, जब हम इसको रखेंगे लोखन की जो खिली होती है, और कैप्ट इन एसिडिफाइड, क्या एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन फॉर अबाउट 1 आवर, आंसर है कि हम जब रखेंगे तो वेन आयरन जो होती है नेल्स आर कैप्ट इन एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन फॉर अबाउट 1 आवर। द ब्लू जो कलर होता है, जब ब्लू कलर्ड सॉल्यूशन टर्न्स ग्रीन, वो क्या हो जाता है ग्रीन बन जाता है, किससे हो जाता है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ आयरन सल्फेट के हिसाब से, फॉर्मेशन ऑफ आयरन सल्फेट, तब व्हेन आयरन सल्फेट आर कैप्ट इन एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन फॉर अबाउट 1 आवर द ब्लू कलर्ड सॉल्यूशन टर्न्स ग्रीन ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ आयरन सल्फेट। नंबर 9 स्टेट करना बताना है, द इफेक्ट बताना, असर होती है ऑन पासिंग कार्बन डाइऑक्साइड इन, क्या है डिकेंटेड लाइम वाटर, जो चूने का पानी होता है, स्टेट द हमें क्या इफेक्ट होती पास करे अगर कार्बन डाइऑक्साइड को इन डिकेंटेड लाइम वाटर। 1 क्या है ऑन पासिंग कार्बन डाइऑक्साइड इन क्या है डिकेंटेड लाइम वाटर द केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस, जो केमिकल जो होता है रासायनिक क्रिया होती है एंड इन सोल्यूबल, जो नहीं होता सोल्यूब नहीं होता इन सोल्यूब, जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है इज फॉर्म्ड होता है वहां पर, जो इन क्या है इन सोल्यूबल होता है तो है, इसलिए क्या है द लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, दूधिया रंग की बनती है वो, जो चूने का पानी होता है वो, तो ऑन पासिंग कार्बन डाइऑक्साइड इन डिकेंटेड लाइम वाटर, चूने के जो पानी में डाला जा पास किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड को, तो केमिकल जो प्रक्रिया होती है रिएक्शन होता है टेक्स प्लेस एंड इनसोल्यूबल जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है वो मिलता है हमें इज फॉर्म्ड, हैंस इसलिए क्या है द लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, दूधिया रंग का बनता है लाइम वाटर, चूने का नितरा पानी जो होता है टर्न्स मिल्की। 10 नंबर है स्टेट फॉर सब्सटेंसेस विच आर फाउंड इन क्या है क्रिस्टलाइन फॉर्म, क्रिस्टलाइन फॉर्म में हमें जो मिले हैं हमें उसके नाम लिखना है, फॉर सब्सटेंस विच आर फाउंड मिले हैं इन क्रिस्टलाइन फॉर्म, आंसर है कॉपर सल्फेट आयरन सल्फेट कॉमन सोल्ट एंड अलम आर द सम एग्जाम्पल्स ऑफ क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस, कॉपर सल्फेट है आयरन सल्फेट कॉमन सोल्ट एंड अलम आर द सम एग्जाम्पल्स, थोड़े एग्जाम्पल्स है वो कि जो क्या है ऑफ क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस। 11 नंबर आउट ऑफ वुड, लकड़ी में से क्या होता है कोल बनता है, आउट ऑफ वुड कोल केरोसिन एंड एलपीजी विच कॉजेज लिस्ट पॉल्यूशन एज अ फ्यूल, आउट ऑफ वुड कोल केरोसिन एंड एलपीजी, उसमें से कौन है जो उसमें से कम जो है पॉल्यूशन गंदा करता है, जो होता है लिस्ट पॉल्यूशन होता है उसमें एज अ जो ईंधन होता है उसमें, तो कौन सा है वो, तो हम लिखेंगे एलपीजी, देखिए उससे धुआं नहीं होता है, धुआं नहीं होगा तो क्या है जो एयर पॉल्यूशन नहीं होगा, तो एलपीजी होता है देखिए जो सीएनजी गाड़ियां होती है उसमें भी नहीं होता धुआं, और एलपीजी हमारे घर में धुआं नहीं होता है जो गैस होता है, तो सबसे अच्छा जो है देखिए केरोसिन है लकड़ी है कोयला है सब जलाने से क्या होता है
बहुत सी जो है एयर पोल्यूशन होकर हमें बहुत सी क्या है डिजीज हो सकती हैं। तो हमारे को क्या है जो एलपीजी है वो क्या है उससे कुछ भी इसका असर नहीं होता है। तो एलपीजी कॉजेज लिस्ट पॉल्यूशन, कम पॉल्यूशन बनता है इससे एज अ फ्यूल जो हम ईंधन के तौर पर यूज करते हैं। तो एलपीजी कॉजेज लिस्ट पॉल्यूशन एज अ फ्यूल। नाउ नंबर 12 विच इज द स्टैंडर्ड टेस्ट, कौन सा स्टैंडर्ड टेस्ट है फॉर द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, विच इज द स्टैंडर्ड टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। आंसर ऑन पासिंग कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू लाइम वाटर, जब पसार करते हैं पास करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर में से, तो क्या है जो चूने का पानी होता है तो द सॉल्यूशन टर्न्स मिल्की दूधिया रंग का बन जाता है। दिस प्रॉपर्टी जो खासियत है ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज्ड एज अ स्टैंडर्ड टेस्ट फॉर इट्स प्रेजेंस, इसकी हाजिरी बताना का टेस्ट लेने के लिए जो है कार्बन डाइऑक्साइड है यूज किया जाता है एज अ स्टैंडर्ड टेस्ट के तौर पे फॉर इट्स प्रेजेंस, उसकी प्रेजेंस हाजिरी के लिए। तो ऑन पासिंग कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू लाइम वाटर, जो चूने का नितरा पानी होता है उसमें से जो कार्बन डाइऑक्साइड पसार की जाती है तो क्या होता है द सॉल्यूशन किस कौन से कलर में हो जाता बनता है मिल्की है ना दूधिया रंग का हो जाता है। तो दिस प्रॉपर्टी ये खासियत जो होती है कार्बन डाइऑक्साइड की ये जो यूज की जाती है एज अ स्टैंडर्ड टेस्ट फॉर इट्स प्रेजेंस की हाजिरी भाई है कि नहीं कार्बन डाइऑक्साइड की वो जानने के लिए टेस्ट करने के लिए क्या होता है इज यूज किया जाता है एज अ स्टैंडर्ड टेस्ट फॉर इट्स प्रेजेंस। 13 नंबर हाउ विल यू मेक अ पीस ऑफ चौक फ्रॉम चौक डस्ट, हाउ विल यू मेक किस तरह बनाओगे अ पीस ऑफ चौक फ्रॉम चौक डस्ट, जो चौक डस्ट होता है उससे। आंसर है मेक अ पेस्ट फ्रॉम चौक डस्ट यूजिंग वाटर एंड रोल इट इनटू द शेप ऑफ अ पीस ऑफ चौक। तो हाउ विल यू मेक अ पीस ऑफ चौक फ्रॉम चौक डस्ट में से हम चौके से बनाएंगे। तो मेक अ पेस्ट हमें क्या करना है उसको पहले क्या बनाना है पेस्ट बनाना है चौक डस्ट का, इसका यूज करना है पानी मिलाकर और उसे रोल करना है एंड रोल इट इनटू द शेप, उसका शेप देना है रोल करके ऑफ जो पीस हमने तो बना है ऑफ अ पीस ऑफ चौक। 14 नंबर है राइट द केमिकल इक्वेशन, लिखना है हमें जो बताता है शोइंग द केमिकल रिएक्शन, जो हमें बताता है केमिकल रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड वाटर के जो बीच के जो बनता है बिटवीन जो रिएक्शन बताता है वो हमें बताना है इक्वेशन के थ्रू। राइट द केमिकल इक्वेशन शोइंग द केमिकल रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड वाटर। आंसर लिखेंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी MgO एंड वाटर है H2O, जो प्रक्रिया होती है इसके बीच में जो तो बनता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, क्या बनता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जिसे हम उसकी फॉर्मूला लिखेंगे MgOH2, मैग्नीशियम OH2 यानी हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड इन MgO प्लस वाटर H2O, इससे जो प्रोसेस जो होती है बिटवीन जो रिएक्शन होता है तो बनता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यानी MgOH2। क्वेश्चन 6 डिफाइन करना है हमें, डेफिनेशन लिखना है हर एक की। नंबर 1 में है फिजिकल चेंज बताना है क्या है, तो डेफिनेशन लिखना है डिफाइन करना है। 2 नंबर है केमिकल चेंज, फिजिकल चेंज 1 में है, 2 है केमिकल चेंज एंड 3 नंबर है गैल्वेनाइजेशन एंड 4 है क्रिस्टलाइजेशन। तो अभी स्टार्ट, नंबर 1 इज फिजिकल चेंज, क्या है इसका डेफिनेशन लिखना है, अ चेंज इन विच अ सब्सटेंस अंडरगोज अ चेंज इन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक शेप डायमेंशंस कलर और स्टेट बट नो न्यू, क्या है उसका प्रॉपर्टी जो होती है उसकी जो है उसकी खासियत जो होती है कि द शेप उसका होता है डायमेंशन होता है
तो क्या है और कलर होता है और स्टेट, बट नो कोई दूसरा मादा सब्सटेंस नहीं बनता, इज फॉर्म्ड नहीं बनता कोई भी, इज जो क्या कहलाती ही है परिवर्तन, फिजिकल चेंज, अ चेंज इन विच अ सब्सटेंस अंडरगोज अ चेंज इन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक शेप, डायमेंशंस, कलर और स्टेट, बट नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड इज कॉल्ड फिजिकल चेंज। ये क्या कहलाती है? फिजिकल चेंज। फोन नंबर है केमिकल चेंज। केमिकल की हमें डेफिनेशन लिखना है, तो अ चेंज क्या होता है? ये जब चेंज होता है, जब परिवर्तन होता है, इन विच वन और मोर न्यू सब्सटेंस, एक और एक से ज्यादा जो मादे होते हैं, जो पदार्थ होते हैं, जो बनते हैं, आर फॉर्म्ड इज कॉल्ड अ केमिकल चेंज। क्या कहलाती है? रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। तो टू नंबर इज केमिकल चेंज, अ चेंज इन विच वन और मोर न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड इज कॉल्ड अ केमिकल चेंज। नंबर थ्री, अब ये क्या है? गैल्वेनाइजेशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ डिपोजिटिंग ऑफ अ लेयर जो होती है ऑफ जिंक और आयरन इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन द प्रोसेस ऑफ डिपोजिटिंग ऑफ अ लेयर होता है, जो लेयर होता है जिंक का और आयरन, इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन। फोन नंबर इज क्रिस्टलाइजेशन, द प्रोसेस टू ऑब्टेन द क्रिस्टल्स ऑफ प्योर सब्सटेंस फ्रॉम द सॉल्यूशन इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। बी में है शॉर्ट आंसर लिखना है हमें, या बताया है आंसर है। क्वेश्चन नंबर वन इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन शॉर्ट में हमें आंसर लिखना है। नंबर वन इज है व्हाट इज फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज क्या है? गिव इट्स टू एग्जांपल्स, हमें उसके दो एग्जांपल, दो उदाहरण लिखने हैं। नंबर वन, व्हाट इज फिजिकल चेंज एंड गिव इट्स टू एग्जांपल्स। आंसर लिखेंगे फिजिकल चेंज, इसमें होगा डिजोल्विंग ऑफ शुगर। डिजोल्विंग ऑफ शुगर इन वाटर में जो डिजोल्व होता है, पानी में शक्कर मिलती है। मेल्टिंग ऑफ वैक्स, हीटिंग एल्यूमिनियम टू मेक एल्यूमिनियम फॉइल, जो एल्यूमिनियम को क्या करते हैं, तोड़ते हाथ से मारते हैं, जैसे मार के क्या है जैसे उसको, उसके जो बनाते हैं एल्यूमिनियम फॉइल बनाते हैं। तो बीटिंग एल्यूमिनियम टू मेक एल्यूमिनियम फॉइल। गिव टू एग्जांपल्स, दो एग्जांपल लिखना है हमें, उदाहरण लिखना है ऑफ फिजिकल चेंज के। तो गिव टू एग्जांपल्स ऑफ फिजिकल चेंज, आंसर है मेल्ट करते हैं जो, मेल्टिंग ऑफ आइस एंड फोल्डिंग ऑफ अ पेपर आर एग्जांपल्स ऑफ फिजिकल चेंज कहलाती है। मेल्टिंग ऑफ आइस को, आइस को क्या होता है, मेल्ट करते हैं से पानी बनता है, एंड फोल्डिंग ऑफ अ पेपर आर एग्जांपल्स ऑफ फिजिकल चेंज, में कोई परिवर्तन नहीं होता, ये है भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। तो ये है दो एग्जांपल हमने दिए भौतिक, जो है भौतिक परिवर्तन के यानी फिजिकल चेंज के। क्वेश्चन नंबर टू, व्हाट इज केमिकल चेंज। अब जो रासायनिक जो परिवर्तन क्या है, गिव इट्स टू एग्जांपल्स, हमें इसके भी क्या है दो उदाहरण देने हैं। तो नंबर टू है व्हाट इज केमिकल चेंज, गिव इट्स टू एग्जांपल्स। केमिकल चेंज यानी जो क्या है रासायनिक जो परिवर्तन है, उसमें है फोटोसिंथेसिस, बर्निंग ऑफ कोल, कोयले का जलना, डाइजेशन ऑफ फूड, खोराक का हजम होना, ये सब क्या है केमिकल चेंज कहलाती है। तो हमने देखा कि फोटोसिंथेसिस, बर्निंग ऑफ कोल एंड डाइजेशन ऑफ फूड, दे आर केमिकल चेंज। नंबर थ्री है गिव टू एग्जांपल्स ऑफ केमिकल चेंज। अब हमें क्या है रासायनिक जो परिवर्तन के दो उदाहरण लिखने हैं। तो गिव टू एग्जांपल्स ऑफ केमिकल चेंज,
आंसर है रस्टिंग ऑफ आयरन, जंग लगना, लोहे का जंग लगना, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम स्ट्रिप जो लोहे जो होती है कोई मैग्नीशियम की जो पट्टी का जलना, कर्डलिंग ऑफ मिल्क दूध में से दही बनना एटसेट्रा आर एग्जाम्पल्स ऑफ केमिकल चेंज। ये क्या कहलाती है केमिकल चेंज, द रस्टिंग ऑफ आयरन, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम स्ट्रिप एंड कर्डलिंग ऑफ मिल्क एटसेट्रा आर एग्जाम्पल्स ऑफ केमिकल चेंज। नाउ क्वेश्चन 3 एक्सप्लेन करना है द केमिकल रिएक्शन, हमें जो केमिकल रिएक्शन है उसको क्या करना है उसको एक्सप्लेन करना है। द केमिकल रिएक्शन ऑकरिंग जो होता है व्हेन मैग्नीशियम स्ट्रिप इज हीटेड बहुत उसको गर्मी दी जाती है इन एयर द गिव इट्स केमिकल इक्वेशन, हमें उसका केमिकल इक्वेशन लिखना है। आंसर लिखेंगे व्हेन मैग्नीशियम स्ट्रिप इज हीटेड स्ट्रांगली इन एयर इट बर्न्स जलती है विथ अ ब्रिलियंट व्हाइट लाइट। हियर क्या बताया है मैग्नीशियम जो कम्बाइन से होती है विथ ऑक्सीजन इन द एयर जो हवा में होती है उसके साथ जुड़ती है वो जो एयर होती है ऑक्सीजन होती है मैग्नीशियम के साथ कम्बाइंस होती है विथ ऑक्सीजन जो ऑक्सीजन होती है उसके साथ जुड़ती है इन द एयर जो हवा में होती है एंड लीव अ वाइट पाउडरी एश नेमली उसका क्या नेम होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो व्हेन मैग्नीशियम स्ट्रिप इज हीटेड strongly in air it burns with a brilliant white light, here magnesium combines with oxygen in the air and leaves छोड़ती है a white powdery ash, इसका जो name है namely क्या है इसका namely magnesium oxide कहलाती है वो। तो its जो chemical equation है नीचे जैसे हमें follow करना है its chemical equation is as follows है मैग्नीशियम एने 2 Mg मैग्नीशियम एने 2 Mg प्लस ऑक्सीजन O2 इससे क्या होगा जो रासायनिक जो प्रक्रिया होती है इनके बीच में रिएक्शन होता है वो है मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है 2MgO। देखिए 2A ले लेंगे आगे हम ये 2 है MgO तो उसका क्या बनेगा 2MgO यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन 2Mg प्लस O2 मैग्नीशियम ऑक्साइड मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी 2MgO। नाउ क्वेश्चन 4 गिव द केमिकल इक्वेशन हमें देन लिखना है फॉर द रिएक्शन होता है बिटवीन आयरन नेल एंड एसिडिफाइड जो होती कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। तो गिव द केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन बिटवीन आयरन नेल एंड एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। आंसर लिखेंगे द केमिकल इक्वेशन इज एज फॉलो हमें नीचे बताया गया है कॉपर मीन्स कॉपर सल्फेट यानी CuSO4 कॉपर यानी Cu सल्फेट यानी SO4 तो बन गया कॉपर सल्फेट तो CuSO4 प्लस आयरन Fe होता है वो उसका जिसकी जो होती है जो उसका फॉर्मूला है Fe जो बीच में क्या होता है इनके जो जो इक्वेशन होती है प्रक्रिया होती है तो उससे क्या होता है रिएक्शन से आयरन सल्फेट बनता है FeSO4 कॉपर से क्या बन जाता है FeSO4 और बाकी क्या रह जाता है कॉपर Cu। तो कॉपर प्लस आयरन कॉपर सल्फेट होता है CuSO4 प्लस आयरन यानी Fe तो कॉपर सल्फेट प्लस आयरन इससे क्या है जो इक्वेशन जो बीच में जो प्रक्रिया होती है प्रोसेस होता है उससे क्या बनता है आयरन सल्फेट बनता है और बाकी रह जाता है कॉपर। तो CuSO4 प्लस Fe इस क्या है FeSO4 और प्लस Cu। नंबर 5 हमें एक्सप्लेन करना है द केमिकल रिएक्शन, द केमिकल रिएक्शन ऑकरिंग जो होता है बनता है व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास्ड जब कार्बन ऑक्साइड उस पर से गुजरती है थ्रू डिकेंटेड सॉल्यूशन ऑफ लाइम वाटर जो चूने का नितरा पानी होता है उसमें से तो राइट इट्स केमिकल इक्वेशन इसका भी लिखना है हमें। आंसर व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास्ड थ्रू डिकेंटेड सॉल्यूशन ऑफ लाइम वाटर जो दूधिया जो पानी जो होता है लाइम चूने का नितरा पानी होता है उसमें से तो अब वाइट
इनसॉल्युबल सब्सटेंस जैसे कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर आर फॉर्म्ड. क्या बनता है उससे? कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर बनता है, फॉर्म होते हैं ड्यू टू व्हाइट पार्टिकल्स जो होते हैं, इसके टुकड़े होते हैं, टुकड़े होते हैं पार्टिकल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इन द सॉल्यूशन, इट टर्न्स मिल्की, वो दूधिया रंग के हो जाते हैं. तो अब हम इसकी फॉर्मूला जो है लिखेंगे, हम इसका इक्वेशन लिखेंगे. अब इसकी फॉर्मूला लिखेंगे, हम इसका इक्वेशन लिखेंगे. डिकेंटेड लाइमोटा जो चूने का नितरा पानी उसे बोलते हैं CaOH2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 के बीच में जो उसका होता है केमिकल रिएक्शन होता है तो क्या बनता है? कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 प्लस H2O. तो यहाँ पर है डिकेंटेड लाइम वाटर चूने का जो नितरा पानी होता है उसे बोलते हैं कैल्शियम, क्या बोलते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी CaOH2 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड जब पसार होती है उसमें से तो क्या होता है? CO2. तो हमें क्या मिलता है? कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, एक ये टू और इसका ओ तो बन गया 3. अब बाकी क्या रह गया? H2O, एक वो यहाँ आ गया तो हो गया CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O. तो ये हमें इक्वेशन उसका लिखा हमने. तो अब ये है डिकेंटेड लाइम वाटर, एक बार फिर आपको बराबर होना चाहिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड जो बीच में जो होती है जो उसकी अंदर जो केमिकल रिएक्शन होता है बनता है कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O वाटर. नाउ 6 नंबर क्वेश्चन इज वन और मोर न्यू सब्सटेंसेस, एक और एक से ज्यादा जो पदार्थ होते हैं आर प्रोड्यूस्ड जो मिलते हैं हमें इन केमिकल रिएक्शन के द्वारा इन एडिशन टू दिस विच क्या है फेनोमेना आर ऑल्सो सीन, विच फेनोमेना आर ऑल्सो सीन. आंसर लिखेंगे इन अ केमिकल रिएक्शन न्यू सब्सटेंसेस आर प्रोड्यूस्ड मोर एवर द फॉलोइंग फेनोमेना आर ऑल्सो सीन दिखाई दी है इसमें. नंबर वन है हीट और लाइट, साउंड इलेक्ट्रिसिटी और अदर रेडिएशंस मे बी गिवन ऑफ और एब्जॉर्ब्ड. नंबर वन हीट लाइट साउंड इलेक्ट्रिसिटी और अदर रेडिएशंस मे बी गिवन ऑफ और एब्जॉर्ब्ड. टू नंबर अ गैस मे बी फॉर्म्ड. थ्री नंबर है अ कलर चेंज मे टेक प्लेस. फोर नंबर अ चेंज इन ऑर्डर मे टेक प्लेस. नाउ क्वेश्चन 7 स्टेट द कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी जो खासियतें होती हैं ऑफ केमिकल चेंजेस की वो लिखना है हमें. तो स्टेट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल चेंजेस, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल चेंजेस आर एज फॉलो. नंबर वन है अ केमिकल चेंज इज जनरली इरिवर्सिबल. अ केमिकल चेंज इज जनरली इरिवर्सिबल. वन नंबर में है अ केमिकल चेंज इज जनरली इरिवर्सिबल. टू नंबर है ड्यूरिंग केमिकल चेंज वन और मोर सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड विथ न्यू प्रॉपर्टीज. थ्री नंबर है ड्यूरिंग सम केमिकल चेंज हीट मे बी गिवन ऑफ और एब्जॉर्ब्ड. नंबर 8 एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ ओजोन लेयर, जो ओजोन लेयर की क्या है इम्पोर्टेंस क्या है वो हमें लिखना है. जैसे देखिए ओजोन वाई कहाँ है, ओजोन लेयर जो होती है प्रोटेक्ट करती है हमको फ्रॉम द हार्मफुल जो अल्ट्रा वायलेट किरणें होती है उनसे हमारी हिफाजत करती है. बीच में जो लेयर होती है सूरज की जो होता है सन के बीच में ओजोन लेयर वो क्या है डायरेक्ट हम पर नहीं पड़ती है तो ये जो है हार्मफुल होता है जो हमारे लिए. तो ओजोन लेयर जो होता है पड़ जो होता है ओजोन का जो ओजोन वायु का जो लेयर होता है प्रोटेक्ट करता है हमें अस फ्रॉम द हार्मफुल अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, जो अल्ट्रा वायलेट जो किरणें होती है उससे हमारे प्रोटेक्ट करता है. विच कम फ्रॉम कहाँ से आती है, जो सन के थ्रू आती है. विच कम फ्रॉम द सन इट वो एब्जॉर्ब कर उसको सोर्स ले जज्ब कर लेती है दिस रेडिएशन
एंड ब्रेक्स डाउन तो तोड़ती है टू ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के द्वारा तो ओजोन लेयर एक्ट जो होता काम करता है, जिसकी लेयर जो काम करती है एज अ नेचुरल शील्ड अगेंस्ट किसके खिलाफ, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन के खिलाफ जो काम करती है, जो हमें हार्मफुल हो सकती है, नुकसान करती है। जो कहाँ हुई है, जो सन क्या है, कहाँ हुई है, कहाँ से आती है, जो सूरज के थ्रू हमारी तरफ आती है, तो जो ओजोन की जो लेयर होती है उसको जज्ब कर लेती है, जो हार्मफुल जो होती है अल्ट्रावायलेट किरणें उसको हमारे तक आने नहीं देती है। इस तरह क्या है, ओजोन जो लेयर है वो काम करती है एक्ट्स एज एन क्या है, नेचुरल शील्ड अगेंस्ट अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। ना क्वेश्चन टू है, गिव हमें पॉइंट्स लिखने हैं, डिफरेंस फर्क बताना है हमें, तफावत लिखना है फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज, यानी भौतिक परिवर्तन और जो रासायनिक परिवर्तन है उनके दो दो पॉइंट्स लिखने हैं हमें, हमें फर्क तफावत लिखना है। अब हम आंसर में लिखेंगे फिजिकल चेंज क्या है और केमिकल चेंज क्या है, मैंने आपको पहले भी डेफिनेशन दी है। वंस अगेन आई यहाँ पर देखते हैं कि फिजिकल चेंज क्या है। नंबर वन, फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक शेप वॉल्यूम कलर स्टेट ऑफ द सब्सटेंस चेंज। केमिकल चेंज, नंबर वन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंस चेंज। नंबर वन इन फिजिकल चेंज, वंस अगेन फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक शेप वॉल्यूम कलर स्टेट ऑफ द सब्सटेंस चेंज। इन नंबर वन केमिकल चेंज, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंस चेंज। नंबर टू नंबर इज इन फिजिकल चेंज, सब्सटेंसेस विथ न्यू प्रॉपर्टीज आर नॉट फॉर्म्ड। टू नंबर है, सब्सटेंसेस विथ न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड। इन वन सेकेंड इन फिजिकल चेंज, नंबर टू सब्सटेंसेस विथ न्यू प्रॉपर्टीज आर नॉट फॉर्म्ड। टू नंबर, सब्सटेंसेस विथ न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड। नंबर पॉइंट नंबर थ्री, इन फिजिकल चेंज दे आर जनरली रिवर्सिबल चेंजेस, दे आर जनरली रिवर्सिबल चेंजेस। एंड नंबर थ्री, इन केमिकल चेंज दे आर जनरली इरिवर्सिबल चेंजेस। वंस अगेन इन फिजिकल चेंज, पॉइंट नंबर थ्री, दे आर जनरली इरिवर्सिबल, नंबर थ्री में है दे आर जनरली रिवर्सिबल चेंजेस। इन नंबर थ्री केमिकल चेंज, दे आर जनरली इरिवर्सिबल चेंजेस।